नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यंदु मंडल, मेरे को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया उसी का थ्रू में मैंने रेगुलर व्यू देता हूँ। वो अब कल के मतलब मंडे के लिए 6 दिसंबर जनवरी 2020 के लिए मैंने कुछ स्टॉक्स चुना है, उसका भी आप लोग को दूंगा। तो उसके पहले मैंने कुछ जो चार्ट का पैटर्न भी बना है वो भी आप लोग को दिख गया, इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी का बना है। हाँ, और कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न भी एक्सेल फाइल में बना है, उसको भी आप लोग को चार्ट पे दिखाऊंगा और मैं इसमें फाइल से भी दिखाऊंगा, तो वो भी आप लोग को दिखेगा। तो ये वीडियो आप लोग जरूर ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। लगता है जो इसमें क्या क्या है आप लोग को पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, और कैसे स्क्रीनिंग का वो भी पिछले वाला वीडियो देख लीजिए। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है, उसका लिंक आप लोग को दिया जाएगा। ये फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी दिया जाएगा, और बहुत सारा वीडियोस है जो बहुत सारा लिंक है वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो आप लोग मैं आप लोग को मैंने बाइसल लेवल बाद में दिखाऊंगा, इस वीडियो में कहूँ तो नहीं होगा, तो आप लोग को वीडियो के अंदर स्क्रीनशॉट में मिल जाएगा। तो इसमें मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न आप लोग को पहले दिख, तो ताकि आप लोग इसमें क्या क्या है और कैसे इसको ट्रेड करना है। देखिए, मैंने इधर करेंट डे का, करेंट डे है, इधर डे वन है, इधर डे टू का हाई डाटा है, हाई लो क्लोज है, और इधर डे सिक्स तक इसका डे सिक्स तक डाटा उठा के मैंने इधर बनाया है। तो इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में वन डे का, टू डे, वन डे का हिसाब से इनसाइड द बार रहेगा, टू डे का हिसाब से इनसाइड। सो ये आप लोग इधर से देख सकते हैं कि एसीसी में वन डे का जो इनसाइड द बार दिखा रहा है, मैंने एक एक करके एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, सभी दिखा नहीं पाऊंगा। देखिए, ये जो अगला वाला कैंडल है इसका अंदर ये रह गया, मतलब ये मतलब कॉम्प्रेस्ड हो गया, इसका हाई लो जब ब्रेक होगा का पिछले वाला कैंडल का, मतलब ये कारण डे वन का जो हाई लो है ये जब ब्रेक करेगा तो ये अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन आप लोग को चार्ट में देखना पड़ेगा, जो सोच लीजिए ब्रेकआउट हुआ लेकिन ये चार्ट में आप लोग को नीचे दिखा रहा है, तो कोई कॉसोवर वगैरह आप लोग कुछ भी चार्ट यूज़ कर सकता है, नहीं तो आप लोग इधर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकता है, तो मैं आप लोग को भी गाइड कर सकता हूँ। तो इस बार जो चार्ट का सिलसिला है ब्रेकआउट होने का, नीचे ऊपर ब्रेकआउट होने से भी आप लोग को ट्रेड नहीं लेना है, तो इधर नीचे ब्रेक होने के बाद भी, क्रॉस ओवर होने के बाद ही आप लोग को ठीक जगह से, ऐसा नहीं है कि मेरे जो चार्ट का पैटर्न है कुछ भी ट्रेंड लाइन ट्रायंगल ब्रेकआउट कोई भी चार्ट का पैटर्न आप लोग को पॉसिबिलिटी दिखा कि इससे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन उसको और भी बहुत सारा चीज़ देख के कन्फर्मेशन ले सकता है, ट्रेंड देख के कन्फर्मेशन लेना पड़ता है, और ट्रेंड और वोलेटिलिटी डिलीवरी परसेंटेज अच्छा वॉल्यूम के साथ जब ब्रेक होगा तो आप लोग को अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। देखिए, भारतीय एयरटेल दो दिन का हिसाब से ब्रेकआउट, मतलब दो दिन का कैंडल का अंदर रह गया, आप लोग देख सकता है इधर से। उसके बाद देखिए, इधर NR4 NR7 एक देखा था, वो गोदरेज सीपी, सोच लीजिए गोदरेज सीपी को दिखाऊंगा, गोदरेज सीपी जब गोदरेज सीपी NR4 और NR7 का हिसाब से दिखाता है, जो रेंज बाउंड है, मतलब इधर डेली चार्ट में लगाना पड़ेगा, जो इसका जो रेंज है लास्ट कैंडल का जो रेंज है वो पिछले वाला थ्री कैंडल का हाई लो का जो डिफरेंस है, आप लोग भी चेक कर सकते हैं चार्ट में, इधर आप लोग को हाई लो दिख जाएगा, जो इसका हाई लो सबसे कम है, हाई लो का डिफरेंस सबसे कम है, ये इसका हाई लो कम है, पिछले छः ये NR4 NR7 दोनों साइड में दिखा था, ये लास्ट ये छोड़ के लास्ट सिक्स जो कैंडल है इसका जो हाई लो का डिफरेंस है इसका सबसे कम है, तो ये जब हाई लो ब्रेक करेगा अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो और भी कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने बनाया है, हायर हाई हायर लोस आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सोच लीजिए इधर कमिंस इंडिया, कमिंस इंडस्ट्रीज में देखते हैं हायर हाई हायर लोस बना है क्या नहीं बना है। देखिए आप लोग, इधर हायर हाई हायर लोस बन रहा है। उसके बाद देखिए, इधर भी आप लोग को प्रॉफिट दिला सकता है, डोजी अप ट्रेंड, डोजी डाउन ट्रेंड, पॉजिटिव हैमर, पॉजिटिव हैमर आप लोग देख सकते हैं, पॉजिटिव हैमर में कोई भी शायद नहीं आया है, और हैंगिंग मैन में भी कोई भी आया नहीं है, इन्वर्टेड हैमर में एक दो दिख रहा है, तो इधर देखता है NIFTY टेक में आया कि नहीं आया है। आप लोग को एक बार चार्ट का पैटर्न दिखाना चाहता हूँ, एक बार आप लोग को चार्ट का पैटर्न फॉर्म हो जाएगा तो आप लोग को अच्छा
प्रॉफिट दे सक मतलब चार्ट का पैटर्न आप लोग को देखेंगे तो आप लोग को अच्छे से देखिए आप लोग इन्वर्टेड हैमर जैसा बैठा है, छोटा सा कैंडल इसका ठीक से नहीं आया, लेकिन ये बुलिश इधर डीबी स्लैब में भी इन्वर्टेड हैमर बन रहा है। डीबी स्लैब को देखते हैं कैसे देखना है। हाँ ये देखिए इन्वर्टेड हैमर जैसा इसका लॉन्ग टेल हुआ है, तो ये आप लोग देख सकते हैं इधर से आप लोग। और भी ये इसके अंदर देखिए हायर हाई हायर लोस पॉजिटिव हैमर हैंगिंग मैन इन्वर्टेड हैमर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनसाइड द बार भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो मास्टर लॉन्ग जो 3.5 मास्टर 38.2 लॉन्ग मास्टर आर वन लॉन्ग और मास्टर 61.8 शॉर्ट और मास्टर आर वन शॉर्ट ये सब बहुत ही क्योंकि ये फिबोनाची लेवल देखे किया है और आप लोग को बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बुलिश एनगल्पिंग भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए इस तरह बुलिश एनगल्पिंग हुआ है डिवी स्लैब में। ये जो पहले ये जो बुलिश कैंडल है ये पिछले वाला कैंडल को एनगल्प करके रखा है, तो इसके बाद आप लोग कुछ भी देख सकते हैं। इधर बुलिश एनगल्फिंग बेयरिश एनगल्फिंग लॉन्ग बॉडी लॉन्ग टेल कैंडलस्टिक लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक ग्रेपस्टोन दोजी मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार बुलिश रिवर्सल बेयरिश रिवर्सल ये सब सभी आप लोग को मिल जाएगा इधर से। जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न सिंगल और जो है ये देखिए अदानी पावर में दिखा रहा है, ये मैंने छोटा मोटा करने का। ये देखिए इधर डार्क क्लाउड कवर ये भी आप लोग को मिल जाएगा इधर से। डार्क क्लाउड कवर सोच लीजिए इधर चोला फिन में दिख रहा है। डार्क क्लाउड कवर कैसा होता है आप लोग शायद जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उसको भी आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। देखिए जब अप ट्रेंड में जब कुछ या कुछ कैंडल जा रहा था उसके बाद इधर जो मतलब एक डार्क बियरिश कैंडल बन गया, तो ये डार्क क्लाउड कवर हो गया। तो इसके बाद आप लोग को इधर से बुलिश हरामी बेयरिश हरामी ये भी आप लोग को दिख जाएगा। किसी भी चाहे में आप लोग देख सकता है ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट ट्रेंड ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट वन। देखिए ट्रायंगुलर पैटर्न वन में कुछ नहीं दिख रहा है, ट्रायंगुलर पैटर्न पावर ग्रिड दिख रहा है, तो देखते हैं पावर ग्रिड इधर से। देखिए इधर पावर ग्रिड का देखिए ये ट्रेंड लाइन का जो बुलिश ट्रेंड लाइन जो है सॉरी ये ट्रायंगुलर पैटर्न जो है ये आप लोग देख सकते हैं। जो ट्रायंगुलर पैटर्न है इसको ये ब्रेक किया है, इस इधर नीचे ब्रेक हुआ ब्रेकआउट हुआ है, उधर ट्रायंगुलर पैटर्न टू मैंने रखा है। ये दूसरा टाइप का ट्रायंगुलर पैटर्न है SRF में, ये इसमें भी आप लोग को ट्रायंगुलर पैटर्न दिखेगा। ये भी इधर से आप लोग देख सकता है ये ब्रेकआउट हुआ है, इधर से ट्रायंगुलर पैटर्न थ्री आप लोग को दिखाऊंगा। ट्रायंगुलर पैटर्न थ्री में कुछ निकला है कि नहीं निकला है। आईसीआईसीआई बैंक इसमें आईसीआईसीआई बैंक में दिख रहा है, तो देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक इधर है क्या नहीं है। मैंने कोशिश करता हूँ जितना सारा आप लोगों को दिखाने का, लेकिन मेरा टाइम बाउंड है थोड़ा सा। इधर देखिए इधर भी एक ट्रायंगुलर पैटर्न आप लोग देख सकते हैं, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका देखिए ये बुलिश थोड़ा सा लग रहा है इसका। आप लोग जब ब्रेक करेंगे तो ट्रेंड लाइन भी आप लोग देख सकता है, ट्रेंड लाइन का जो इंडियाबुल हाउसिंग फिनांस ट्रेंड लाइन का इंडियाबुल हाउसिंग फिनांस का आप लोग देखेंगे तो इसका ट्रेंड लाइन भी आप लोग को ब्रेक होने का दिखाएगा। ट्रेंड लाइन डबल हाउसिंग फिनांस देखिए इधर जो ट्रेंड लाइन है ये इधर से ब्रेक हो चुका है, तो इधर ट्रेंड लाइन बुलिश बेयरिश ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी बुलिश बेयरिश इधर से आप लोग को दिख जाएगा। इस सर फ्लैग पैटर्न आप लोग को दिख जाएगा, फ्लैग पैटर्न में कुछ नहीं निकला है, तो इधर इन्वर्ट देखिए इन्वर्स डब्ल्यू पैटर्न जो है इन्वर्स डब्ल्यू पैटर्न बेयरिश ब्रेकआउट जो होता है इन्वर्स डब्ल्यू आप लोग समझ सकता है, उल्टा जो डब्ल्यू होता है इसमें कुछ निकला नहीं है।